दोस्तों दरवाजे के मुतालिक ये कुछ ऐसे फिकरात हैं जो इंतहाई ज़्यादा बोले जाते हैं, तो आइए सबसे पहले इनकी इंग्लिश सीख लेते हैं। दरवाजे की कुंडी लगा दो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लैच द डोर, लैच द डोर। और अगर हमें कहना हो दरवाजे की कुंडी खोल दो तो हम कहेंगे अनलैच द डोर, ठीक है, अनलैच द डोर। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। दरवाजे को लॉक कर दो, लॉक द डोर। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। दरवाज़ा आधा खुला है, द डोर इज़ अजर। हाय एवरीवन, मैं हूँ आसिम और इस वीडियो में मैं आपके लिए दरवाजे के मुतालिक इंग्लिश में बात करना बना देने वाला हूँ बहुत ही आसान। जी तो हम सीखने वाले हैं दरवाजे के मुतालिक तमाम अहम इंग्लिश अल्फाज और कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले फिकरात। जी तो दोस्तों इंग्लिश सीखने की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। और अगर आपको इस सबक के नोट्स चाहिए ताकि आप बाद में बआसानी रिवाइज़ कर सकें, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विज़िट कीजिए और नोट्स अपने पास महफूज कर लीजिए। इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। दोस्तों दरवाजे के मुतालिक ये कुछ ऐसे फिकरात हैं जो इंतहाई ज़्यादा बोले जाते हैं, तो आइए सबसे पहले इनकी इंग्लिश सीख लेते हैं। दरवाजे की कुंडी लगा दो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लैच द डोर, लैच द डोर। और अगर हमें कहना हो दरवाजे की कुंडी खोल दो तो हम कहेंगे अनलैच द डोर, ठीक है, अनलैच द डोर। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। दरवाजे को लॉक कर दो, लॉक द डोर। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। दरवाज़ा आधा खुला है, द डोर इज़ अजर। अजर का मतलब क्या है? आधा खुला आधा बंद, ठीक है, द डोर इज़ अजर। दरवाज़ा चूँ चूँ कर रहा है, यानी दरवाजे से आवाज़ें आ रही हैं, तो जहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं हिंजेस, यानी कब्जे। द डोर इज स्क्वीकी। तो ये जो हिंजेस हैं ये लैपटॉप में भी लगे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये हिंजेस लगे होते हैं। अच्छा, स्क्वीकी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से चूँ चूँ की, यानी घिस कर चूँ चूँ की आवाज़ें आने लग जाएँ, वो चीज़ स्क्वीकी कहलाती है। जैसे गाड़ी के व्हील हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनरी है, जहाँ से अगर घिस कर चूँ चूँ की आवाज़ें आने लग जाएँ तो वो चीज़ कहलाती है स्क्वीकी। जैसे अगर चारपाई से आवाज़ें आने लग जाएँ चूँ चूँ की, तो वो चारपाई भी यानी कॉट भी स्क्वीकी कहलाएगी, ठीक है। दरवाज़े को जंग लगा हुआ है, कोई भी चीज़ जिसको जंग लगा होता है यानी जंग आलूद होती है उसको हम कहते हैं रस्टी, ठीक है, क्या कहते हैं? रस्टी। तो दरवाजे को जंग लगा हुआ है, इसका मतलब इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? द डोर इज़ रस्टी, द डोर इज़ रस्टी। दरवाज़ा खुला छोड़ देना, लीव द डोर ओपन। और अगर हमें कहना हो कि बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, तो हम कहेंगे क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट, क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब कुछ ऐसे अल्फाज सीख लेते हैं, इंग्लिश अल्फाज सीख लेते हैं जो किसी दरवाजे के मुतालिक बात करने के लिए हमें लाजमी सीखने चाहिए। जैसे सबसे पहला वर्ड हो गया प्रिंसिपल डोर, जिसको हम कहते हैं मेन डोर, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मेन। अच्छा, ये याद रखिएगा, ए वाला प्रिंसिपल है, ओके, प्रिंसिपल मतलब मेन। अच्छा, इनर डोर और आउटर डोर। इनर का मतलब अगर आप बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे इनर, मतलब अंदर वाली साइड वाला, और अगर आप अंदर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे आउटर, यानी बाहर वाली साइड वाला, बाहर की तरफ वाला, ठीक है। थिक, थिक का मतलब मोटा, ठीक है, मोटा दरवाज़ा। हैवी, बहुत ज़्यादा वज़नी दरवाज़ा। अपोजिट डोर, यानी इसके सामने वाला मुखालिफ दरवाज़ा। ब्रोकन डोर, टूटा हुआ दरवाज़ा। नियरेस्ट डोर, इसके करीब तरीन वाला दरवाज़ा। फ्रंट डोर,
सामने का दरवाज़ा, बैक डोर, पीछे का दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दरवाजे के मुतालिक इंग्लिश में बात करने के लिए आपको लाजमी सीखने चाहिए। जी तो दोस्तों, दरवाजे के इस हिस्से को इंग्लिश में कहते हैं बोल्ट, और इसे उर्दू में कहा जाता है कुंडी या चुटखनी। ठीक है, कब्जा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिंज। चौकाट यानी दरवाजे का जो बाहर का फ्रेम होता है, इसको हम डोर फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोर फ्रेम, या आप इसको बोलते हैं डोर केस या केसिंग। ठीक है दोस्तों, केसिंग बोल सकते हैं आप इसको। अच्छा, दरवाजे का जो ये हिस्सा है इसको हम कहते हैं सिल, डोर सिल, या आप इसको थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड का बेसिकली मतलब आ जाता है दहलीज, ओके, या आप इसको सिल भी बोल लीजिए। ताला, जो इस तरह का ताला है उसको आप कहते हैं पैडलॉक। क्या कहते हैं? पैडलॉक। दस्ती, ये वाला जो दरवाजे का हिस्सा है इसको हम कहते हैं डोर नॉब, डोर नॉब। ये दो वर्ड्स नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, एक ही वर्ड है ये। दस्तक देने के लिए दरवाजे पर ये लगा होता है जिसको नॉकर कहते हैं, नॉकर। दस्ती को इंग्लिश में कहेंगे डोर हैंडल। क्या कहेंगे? डोर हैंडल। इस तरह के जो दरवाजे हैं इनको हम कहते हैं पैनल डोर्स। पैनल डोर मतलब इनमें डिजाइनिंग बनी होती है, ठीक है, इस तरह के डिजाइन होते हैं, राइट, तरह तरह के डिजाइन बने होते हैं, इनको हम पैनल डोर्स बोलते हैं, ओके। तो ये दरवाजों की एक किस्म है। और फिर एक तरह का दरवाजा आ जाता है फ्लश डोर, जिसमें कोई भी किसी किस्म की डिजाइनिंग नहीं होती, बिल्कुल प्लेन बना होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं ऐसा प्लेन बना होता है, तो इसको हम फ्लश डोर कहते हैं। तो ये दरवाजे की एक किस्म आ गई। अच्छा, स्क्रीन डोर इस तरह के होते हैं, यानी ये जाली वाले हो सकते हैं, ठीक है, या ये शीशे के भी हो सकते हैं, तो इनको कहते हैं हम स्क्रीन डोर्स। दोस्तों, कुछ दरवाजों के साइड पर इस तरह का रोशनदान लगा होता है जिसको हम कहते हैं साइड लाइट। क्या कहेंगे? साइड लाइट। और कुछ दरवाजों के ऊपर रोशनदान लगा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसम। क्या बोलेंगे? ट्रांसम। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रांसम। घंटी को हम कहेंगे डोरबेल, डोरबेल। और दरवाजे पर एक तख्ती लगी होती है जिस पर घर के बारे में और घर के ऑनर के बारे में, यानी रिहायशी के बारे में, कुछ मालूमात लिखी होती हैं, नाम वगैरह लिखा होता है, उसको हम कहते हैं डोर प्लेट, ठीक है, डोर प्लेट। दहलीज को हम कहेंगे डोर स्टॉप। क्या बोलेंगे? डोर स्टॉप। डोर स्टॉपर, इसको हम कहते हैं डोर स्टॉप, या डोर स्टॉपर भी बोला जाता है। राह गुजर, राह गुजर क्या है? यानी अगर दरवाजा खुला है तो वो गुजरने की जगह है, ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोरवे। क्या बोलेंगे? डोरवे, यानी दरवाजे से गुजरने की जगह, ओके। दोस्तों, दरवाजे के ऊपर ये जो इतनी जगह बनी हुई है इसको आमतौर पर गलत कुछ इस तरह से बोला जाता है, लेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से लेंटर, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको बोलते हैं लिंटल। क्या बोलेंगे? लिंटल, ये सही वर्ड है, यानी जो जिसकी छत भी डाली जाती है, छत बनाई जाती है, उसको आमतौर पर पाकिस्तान में लेंटर बोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको क्या बोलेंगे? लिंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिंटल, डोर लिंटल, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो सुराख है जिससे दरवाजे के अंदर से बाहर झांक सकते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे पीप होल, पीप होल। अगर दरवाज़ा आधा खुला और आधा बंद है तो इसका मतलब है कि दरवाज़ा अजर है, ठीक है, तो आधा खुला और आधा बंद होने को इंग्लिश में कहते हैं अजर। ठीक है दोस्तों, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।